नमस्कार, पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत है और मैं हूं कमल सिंह। पिछले 5 दिनों की बात करें तो मेघालय पूरा जल रहा है। मेघालय में कर्फ्यू लगा हुआ है, दो गुटों के बीच झड़प हुई है। केंद्र सरकार ने भी यहां से स्पेशल बटालियन भेजी है वहां के हालात को काबू में करने के लिए। वहां पे कर्फ्यू का माहौल है, राज्य सरकार ने भी अपनी तरह से पूरी कोशिश की है, और भी राज्य थे जहाँ से स्पेशल सेल वहाँ पर भेजा गया है स्थिति का जायजा लेने के लिए और स्थिति को काबू में करने के लिए। मेघालय का जो पूरा ताना बाना है वो समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो मेघालय में जो रहने वाले लोग हैं उसमें खासी हैं जो कि 34% हैं, गारो हैं जो कि 30% हैं, और उसके बाद जयंतिया हैं जो कि तकरीबन 18% हैं। और ये वो समुदाय है जो वहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदाय हैं जो वहाँ पर रहते हैं। और मेघालय में पहले से ही मांग होती रही है कि जो अन्य धर्म के लोग हैं उन्हें हटाया जाए, मेघालय में सिर्फ यही लोग रहेंगे, क्योंकि बेसिकली ये लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं। ये वहाँ का ताना बाना है पूरा, इस तरीके से वहाँ के लोग रहते हैं। और बाद में अब तो गारो भी अलग राज्य की मांग कर रहा है कि हमें अलग राज्य दे दो, हम गारो का एक अलग राज्य बनाएंगे और उस पर हमारा आधिपत्य होगा। और उसके बाद जयंतिया जो है कि आबादी में कम है, 18% है, इस वजह से उसको जिधर सुविधा दिखती है वो उधर जाता है, या तो गारो के साथ जाएगा या खासी के साथ जाता है, जिधर उसको सुविधा दिखती है उसके साइड में जाता है और बोलता है कि हमें अलग राज्य दे दो, हमारा आधिपत्य होगा, बाकी जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको यहाँ से निकालो। और इस बार भी मुद्दा कुछ ऐसा ही है। इस बार का मुद्दा है कि वहाँ पे जो पंजाबी लोग हैं उनको निकालने की बात है, वहाँ पे जो सिख हैं उनकी बस्तियाँ खाली कराने को लेकर ये पूरा हिंसा का मामला जो है वो चल रहा है। हम आपको बता दें कि सिख समुदाय जो वहाँ पे बसा हुआ है वो ब्रिटिश के समय से बसा हुआ है, जब ब्रिटिश इंडिया में आए और उसके बाद उस समय ये अलग अलग रियासतें जो थी इनको जोड़ के एक राज्य बनाया जो कि काफ़ी समय तक आसाम रहा। उसके बाद 21 जनवरी 1971 को ये टूट के मेघालय में बना, मेघालय आसाम से टूट के 21 जनवरी 1971 को मेघालय बन गया। तो उस समय से ये जो सिख लोग हैं वहाँ पे थे, ब्रिटिश आए जब उनको ज़रूरत पड़ी साफ़ सफाई के लिए, तो पंजाब में जो पंजाबी दलित थे उनको उठा के वो वहाँ पे ले गए थे और उसके बाद वो लोग वहाँ पे बस गए। लेकिन इसके बाद वहाँ पे कई बार इनको हटाने की बात हुई, काफ़ी दूसरे धर्म के जो लोग थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, जो बाहर से आए थे उनको भी हटाने की बात हुई, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा मामला जो है डाकर यानी जो भी वहाँ का स्थानीय निवासी नहीं है जो बाहर से आके बसा हुआ है मेघालय में, उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है डाकर। तो पूरा मामला डाकरों को हटाने को लेके है और इस बार डाकरों में सिर्फ जो टारगेट किया जा रहा है वो सिख समुदाय को किया जा रहा है। पंजाब ने भी अपनी स्पेशल सेल वहाँ पे भेजी है कि पूरे स्थिति का जायजा लिया जाए, लेकिन फिलहाल स्थिति काबू में नहीं है, कर्फ्यू लगा दिया गया है वहाँ पे, और स्पेशल सेल भी भेजी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ से। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से और कब तक इन हालात पे काबू पाया जा सकता है और गवर्नमेंट जो है वो क्या नई नीतियाँ वहाँ के लिए लेके आती है। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरें हम आपको YouTube और Facebook के जरिए पहुँचाते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।